बेलापुर मतदार संघ की जनता की समस्याओं के निराकरण और नवी मुंबई के विकास में उनके अमूल्य योगदान के लिए उनकी तरफ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के मकसद के साथ पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक ने सृजनशील संवाद उपक्रम के तहत सानपाड़ा वार्ड क्रमांक 76 और वार्ड क्रमांक 79 का दौरा किया और जनता से संवाद साधकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। संदीप नाइक ने सर्वप्रथम सानपाड़ा वार्ड क्रमांक 76 का दौरा किया और हर सोसाइटी में डोर टू डोर जाकर जनता से संवाद साधा, उनकी समस्याएं जानी और समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। इस दौरान नागरिकों ने अपने दैनंदिन जीवन में सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन संदीप नाइक को सुपुर्द करते हुए उनसे सहकार्य की अपेक्षा की। इस दौरान नागरिकों ने मुख्यतः पानी की समस्या, मच्छरों के प्रादुर्भाव से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप, विद्युत समस्या, सोसाइटी के अंतर्गत समस्याओं से संदीप नाइक को रूबरू करवाया, जिस पर संदीप नाइक ने समस्या के निदान करने का पूर्ण भरोसा दिया। इस अवसर पर संदीप नाइक ने नवी मुंबई के विकास में अहम योगदान देने वाले वार्ड के तमाम ज्येष्ठ नागरिकों, महिला वर्ग का सम्मान कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वहीं तत्पश्चात संदीप नाइक ने सृजनशील संवाद उपक्रम के तहत सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 79 का दौरा कर प्रभाग के नागरिकों से संवाद साधा। संदीप नाइक ने विभिन्न सोसाइटी, एसोसिएशन और व्यापारियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और समस्या निराकरण का वादा किया। इस अवसर पर नागरिकों ने अपनी समस्याओं का निवेदन संदीप नाइक को सुपुर्द करते हुए अपनी समस्या से उन्हें रूबरू करवाया। इस दौरान नागरिकों ने मुख्य तौर पर पानी की समस्या, सोसाइटी अंतर्गत फवारणी और फवारणी के अभाव से वायरल बीमारियों, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रादुर्भाव, कचरा डब्बे का अभाव, एमएसईबी के पुराने जर्जर डीपी बॉक्स को बदलने की मांग और रीडेवलपमेंट में सभी अनुमतियां एक ही जगह प्राप्त हो सके इसलिए वन विंडो सिस्टम की जरूरत, साथ ही प्रभाग में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग, मिलेनियम टावर के बगल में स्थित नाला कवर कर पार्किंग की व्यवस्था, विजिटर पार्किंग के लिए सिडको से फॉलोअप करने की मांग, जैसे कई गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे संदीप नाइक के समक्ष रखे, जिस पर संदीप नाइक ने भरोसा दिलाया कि महानगर पालिका के माध्यम से पूर्ण तौर पर अध्ययन कर स्टेटस रिपोर्ट लेकर तमाम समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। वहीं साथ ही उन्होंने नवी मुंबई शहर के विकास में योगदान देने वाले, सुसंस्कृत नवी मुंबई की पहचान देने वाले नागरिकों का सम्मान कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संदीप नाइक ने जनता से मिले प्रेम को बेहद अविस्मरणीय करार देते हुए कहा कि आज सृजनशील संवाद के माध्यम से सामने आई समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा और नागरिकों के इस अपार स्नेह के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। सृजनशील संवाद या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध सोसायट्यांमध्ये जाऊन सोसायट्यांच्या पदाधिकारी आणि रहिवाशांची चर्चा करणे, सोसायट्यांमध्ये सेक्टरमध्ये काय अडचणी आहेत, काय समस्या आहेत, ह्या निवेदनाच्या माध्यमातून नागरिक मांडत असतात आणि नेमक्या समस्या काय आहेत ते बघता देखील येतं। आपण एखाद्या हॉलमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला तर अनेकांना येता येत नाही आणि वस्तुस्थिती काय आहे ही देखील आपल्याला पाहता येत नाही। एक समाजसेवक किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना योग्य प्रश्न हे आपल्यापर्यंत पोचणं आणि त्या प्रश्नांची सोडवणूक होणं हे गरजेचं असतं। एक धोरणात्मक आपण निर्णय घेत असतो, पाण्या प्रश्नाकरता आपण नवी मुंबईचं स्वतःचं असं डॅम आहे, परंतु डॅम जरी स्वतःचं असलं तरी प्रशासनाच्या माध्यमातून पाण्याचं वाटप योग्य पद्धतीनं केलं जातं का, डिस्ट्रीब्युशन हे सगळ्यांना समान असतं का, त्यामध्ये प्रशासकीय अडचणी काय आहेत ह्या नागरिकांकडून समजणं देखील तितकंच गरजेचं आहे। अनेक अशा पाईपलाईन्स अनेक वर्षापासून जीर्ण झालेल्या आहेत, लोकसंख्या वाढलेली आहे, पाईपची साईज वाढली पाहिजे, पाईप रिपेअर झाले पाहिजेत, काही ठिकाणी ईएसआर टँक, जीएसआर टँक म्हणजे खूप जुनी सिडको निर्मित घरं असल्यामुळे या घरांमध्ये स्वतःची टँक नाही, त्यामुळे ज्यावेळेस पाणी येतं, एक वेळा येतं किंवा दोन वेळा येतं, त्यावेळेस ते पाणी स्टोरेज करून त्या पूर्ण 24 तासापर्यंत या रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा देखील उपलब्ध नाही। अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक सेक्टरची गरज आणि अडचण वेगळ्या आहेत, त्या अभ्यास करून
त्याचं एक चांगलं सोल्युशन या प्रत्येक सेक्टरला प्रत्येक सोसायटीला देणं गरजेचं आहे. आज या सगळ्या सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांशी रहिवाशांची चर्चा करून मी विषय समजून घेतला आहे. नक्कीच येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये आयुक्त महोदय, सिटी इंजिनियर यांच्यासमवेत मीटिंग घेऊन तात्काळ आपण यांना काय दिलासा देऊ शकतो, सणाच्या कालखंडामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पाण्याचं शॉर्टेज होऊ नये आणि येणारी 5 वर्ष, 10 वर्ष किंवा 20 वर्षाचं पाण्याचं नियोजन हे प्रत्येक सेक्टरमध्ये झालं पाहिजे असा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्याकरता एक अत्यंत महत्त्वाच्या मौलिक सूचना या सर्व नागरिकांच्या माध्यमातून मिळाल्या. मी सर्व नागरिकांनी या संपूर्ण उपक्रमाला जो एक सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला, चांगल्या सूचना मांडल्या, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई महानगर पालिका ड प्रभाग समिति के पूर्व सदस्य सुनील कुरकुटे, समाज सेवक भाव भापकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.